हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक मंजिल। तो दोस्तों, आजकल यार ये विनोद बहुत ज्यादा चल रहा है यार। हर जगह कमेंट सेक्शन में, मेरे भी कमेंट सेक्शन में बहुत स्पैमिंग हो रही है विनोद नाम की। तो हर किसी के दिमाग में ये तो आपके आ ही रहा होगा कि ये विनोद क्या है यार, कुछ ही दिनों में इतना फेमस हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि विनोद है कौन। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक चैनल है स्ले पॉइंट, उसने वीडियो डाली थी कि कमेंट सेक्शन में कैसे कैसे कमेंट्स आते हैं इंडियन वीडियोस के यूट्यूब पे। तो उसी में ही उसने एक कमेंट सेक्शन की बात करी थी और उसमें दिखाया था कि हर चैनल के कमेंट सेक्शन में विनोद बहुत ज्यादा नाम आजकल चल रहा है। और मैंने लिटरली कई ज्यादा वीडियोस को देखा और आजकल हर वीडियो, हर लाइव स्ट्रीम और हर गेमर की भी लाइव स्ट्रीम पे विनोद नाम इतना ज्यादा चल रहा है। इनफैक्ट स्काउट जो चैनल है गेमिंग का, उसकी लाइव स्ट्रीम में सबसे ज्यादा कमेंट्स जो थे वो विनोद नाम के ही थे। तो मतलब आजकल कुछ भी ट्रेंडिंग हो जाता है यार। पीछे जेसीबी की खुदाई ट्रेंडिंग थी और अभी ये विनोद नाम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया। तो यही है, बस एक महीने पहले विनोद नाम की ये वीडियो बनाई थी स्ले पॉइंट ने, उसमें विनोद कमेंट के बारे में बताया था और उसी तरह अब ये नाम भी फेमस हो गया। तो यार इंडियंस कुछ भी फेमस कर देता है तो कोई नहीं यार, ऐसी किसी दिन किस्मत खुलेगी आप लोग भी फेमस हो सकते हो। तो ऐसे ही ट्रेंड करते रहो यार, सबसे सस्ता डेटा इंडिया में ही है तो फायदा उठाओ जियो का। तो यही थी वीडियो यार, विनोद एक जस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है जो एक वीडियो की वजह से वायरल हो गया। और कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा साइंस या टेक नहीं है, बस सिंपल सी यही बात है कि एक ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया। और अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि यार ये विनोद है कौन, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विनोद असल में एक विनोद थारू नाम का एक चैनल था जो अपनी पब्लिसिटी करने के लिए हर वीडियो के कमेंट पे जाके कमेंट करता था अपना नाम जो कि है विनोद। तो ऐसे कमेंट करते करते लोगों को इस वीडियो के थ्रू ये वायरल हो गया कमेंट, और हर कोई इस नाम को कमेंट करने लग गया दूसरों की वीडियोस पे जो कि है विनोद। तो अब ये एक मीम्स वालों के लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है और अब ये जेसीबी की खुदाई की तरह बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा टॉपिक।